मुखिया जी को चुनाव जीतना है और जीत के दिखाना है। बहुत बढ़िया लग रहा है, चुनाव जीतेंगे। सीट में हम मेहनत किए हैं दोनों सीट पर ही। जीतने के बाद में जितने हमको विकास करेगा रहेगा उतना विकास अपना करेंगे हम। आप गली गली के लिए हम अपना उस पर पूरे लगल रहेंगे। नगर निगम चुनाव का गर्मी तेज हो गया है जिला में। 18 तारीख को वोटिंग है। हमारे बीच दो प्रत्याशी हैं, एक कुलेश्वर यादव हुए वार्ड नंबर 10 और साबो देवी हुए वार्ड नंबर 11। ये पति हुए, ये पहले मुखिया भी रह चुके हैं। क्या दिख रहा है जब क्षेत्र में जा रहे हैं, क्या स्थिति दिख रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, चुनाव जीतेंगे। सीट में हम मेहनत किए हैं दोनों सीट पर ही। आपका वार्ड में कौन कौन सा एरिया आता है वो थोड़ा बताएंगे? हमारा वार्ड में 10 नंबर में आता है कन्हाई नगर, अनरपुरा वार्ड आता है, वो कोनिया पर बोलता है, तीनों में आता है 10 नंबर वार्ड में। 11 नंबर जो क्या क्या 11 नगर में आता है, शिवानी होटल आता है, गांधी नगर बोलता है, नहालू चक आता है, 11 नंबर वार्ड में आता है। समय बहुत कम बचा है, 2 दिन है ना, क्षेत्र में जा रहे हैं। आज क्या रैली निकालने वाले हैं? जी आज रैली निकाल रहे हैं हम। अपने दोनों वार्ड में मेहनत कर रहे थे, 10 साल में पंचायत चुनाव हारे हैं, उससे भी मन किया 200 साल लगल रहे हैं। हमने मेहनत करे पर पूरा लगल रहे हैं। क्या क्या काम किए हैं 10 साल हारने के बाद भी? कहीं भी कुछ होता था, कहीं पारा पंचायती रहता था, हम सब आगे रहते थे, कोई काम में दोगे विकास के काम में बहुत आगे रहते थे। जीतने के बाद आपका जीतने के बाद कुछ होगा, सोचे होंगे कि जीतने के बाद हमको ये काम करना है, क्या कीजिएगा जीतने के बाद? जीतने के बाद में जितने हमको विकास करेगा रहेगा उतना विकास अपना करेंगे हम। आप गली गली के लिए हम अपना उस पर पूरे लगल रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अर्जुन शर्मा। कहाँ के रहने वाले? हम मिर्जापुर 11 नंबर वार्ड से हैं। क्या जब घूम रहे हैं क्षेत्र में घूम रहे हैं तो क्या दिख रहा है माहौल? बहुत अच्छा माहौल दिख रहा है, एकदम फेवर में दिख रहा है। बहुत अच्छा माहौल दिख रहा है। पब्लिक क्या बोल रहा है? मतलब बहुत बढ़िया बोल रहा है, विकासशील आदमी है, विकास करने वाला आदमी है, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। कहाँ रहने वाले आपका? निहालू चक का। अच्छा, अब 2 दिन समय बचा हुआ है, कम है समय, कम है। इस कम समय में मतलब कि क्या करना है? मुखिया जी को चुनाव जीतना है और जीत के दिखाना है, और बहुत कम समय बचा है, इसमें विकास करना है, और विकास के पहले भी हो चुका है, और विकास के लिए ही हम लोग मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, आपके क्षेत्र में क्या क्या चीज़ का कमी है जो मुखिया जी को जिताइएगा तो पूरा होगा? मुखिया जी के क्षेत्र में सब कुछ हो ही चुका है, लेकिन थोड़ा सा नाली और गली की कमी है। उसी में मतलब उस लोग को हम लोग जीत के उसको पूरा करेंगे। जीत को पूरा करेंगे। तो ये थे कुलेश्वर जी जो वार्ड नंबर 10 है, इनका पत्नी साबो देवी हैं जो वार्ड नंबर 11 से हैं। दोनों पति पत्नी चुनावी मैदान में हैं, आज रैली निकाल रहे हैं। समय 2 दिन बचा, वो पूरी तरह से दमखम लगा दी। अब देखना ये होगा कि जनता इनको कितना आशीर्वाद देता है। बाकी अब देख रहे थे मघी आवाज़ में सन्नू। धन्यवाद। राजा दोनों कैंडिडेट हो।